बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड व्हाई वी डू इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो जनरली स्पीकिंग, इवैल्यूएशन मीन to determine the purity or to identify something or to determine the quality of something. हम इसके लिए जो उसके किसी चीज़ की quality मालूम करने के लिए या किसी चीज़ में adulteration पता लगाने के लिए या उसका किसी चीज़ के का शनाख्त करने के लिए हम करते हैं evaluation। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन क्रूड ड्रग्स, वो जो हम क्रूड ड्रग्स के लिए करते हैं इवैल्यूएशन, तो हम उसको इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्रग इवैल्यूएशन द डिटरमिनेशन ऑफ आइडेंटिटी प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड ड्रग इवैल्यूएशन। ठीक है, किसी भी ड्रग की उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त मालूम करने के लिए या उसकी प्योरिटी या क्वालिटी मालूम करने के लिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ आइडेंटिटी हम किस तरह करते हैं, हम किसी भी ड्रग की शनाख्त कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो एक बात तो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की शनाख्त करें, उसकी पहचान अच्छी तरह से करें, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में उसको केयरफुली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन भी आप इवैल्यूएशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ ख़ास पैरामीटर्स आप उसमें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप फिर उससे उसकी आइडेंटिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और बाद में आप उस पैरामीटर्स को, कुछ ख़ास पैरामीटर्स है, आप उसको ऑब्ज़र्व कर ले और बाद में आप उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे, तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ये वो आइडेंटिटी वाला है या नहीं जो मैं चाहता हूँ। फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज अ कलेक्टर मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की शनाख्त सही हो और ठीक तरीके से हम किसी भी चीज़ की शनाख्त करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस शख्स से, हम जो कलेक्टर है, प्लांट का कलेक्टर से, प्लांट कलेक्ट करने वाला जो शख्स है, तो हम उसे जो है उसे एजुकेट करना चाहिए, उसको कुछ गाइडेंस, कुछ उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ठीक है, therefore drugs from plant or animals are identified by a qualified specialized and experienced personnel। ठीक है, तो हम इनको जो है एक स्पेशलाइज और एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू हम ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है बाद में ये कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ जो एक ऑथेंटिक सैंपल होता है, और उससे हम पता लगाता है कि ये चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये वो रिक्वायर्ड क्वालिटी वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम उसका पता लगाते हैं। फिर डिटरमिनेशन ऑफ क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी किसे कहते हैं, तो द वर्ड क्वालिटी रिफर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ड्रग आई द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। एक्ट क्वालिटी से मुराद ये है कि किसी भी ड्रग में जो ख़ास मकदार होता है, किसी भी ड्रग में, क्रूड ड्रग में एक ड्रग का एक ख़ास कंस्टिट्यूएंट्स होता है, एक कंस्टिट्यूएंट्स का कुछ ख़ास मकदार होता है, तो वो ख़ास मकदार हम वो ख़ास मकदार अगर किसी ड्रग में, क्रूड ड्रग में मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये क्वालिटी इसकी ठीक है। अगर वो उस ख़ास मकदार से, किसी भी क्रूड ड्रग में उस ख़ास मकदार से वो मकदार कम हो, तो हम इसको क्या कहते हैं कि क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है। ठीक है, सो दीज प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इज कार्बोहाइड्रेट अल्कलाइड्स ग्लाइकोसाइड वोलेटाइल आई लिपिड्स एंटीबायोटिक्स एंड स्टीराइड्स। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और हम इसको देखते हैं किसी भी क्रूड ड्रग में
कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट देखते हैं, अल्कलाइड कंपोनेंट देखते हैं, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आयल, लिपिड, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं, अगर कोई इन चीज़ों का को मकदार, कोई ख़ास स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट्स मकदार हो इनमें, तो हम कहते हैं कि ये जो है क्वालिटीज़ की ठीक है। अगर उस मकदार में मौजूद ना हो तो फिर ये इनकी क्वालिटी सही नहीं रहती। ठीक है, अ हाई ग्रेड ऑफ क्वालिटी इन अ ड्रग इज ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। जाहिर बात है, ये ज़रूरी है कि जो है ड्रग्स में जो है क्वालिटी का मकदार मयार जो है वो बेहतर हो और हाई ग्रेड हो उसका मयार। एन एफर्ट शुड बी मेड टू ऑब्टेन एंड मेंटेन हाई क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़रूरत होती है, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। और टू मेंटेन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वन शुड डू द फॉलोइंग। ठीक है, तो बेहतर क्वालिटी के लिए जो है ये चीज़ें करना ज़रूरी है कि सेलेक्ट प्रॉपर सोर्स। आप जो ड्रग सेलेक्ट करते हैं, आप जिस ड्रग को यूज़ करना चाहते हैं, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सोर्स कौन सा है। आपको जियोग्राफिकल सोर्स का भी उसका पता होना चाहिए उस ड्रग के बारे में, और डिफरेंट जो सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आप जो जिस सोर्स से इस ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ये रिक्वायर्ड क्वालिटी वाला है कि नहीं। ठीक है, वो सोर्स। दूसरा, अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ कलेक्शन। अच्छा, बाज़ औक़ात आपका ड्रग जो है आप जब कलेक्शन करते हैं तो हर ड्रग की हर ड्रग के कलेक्शन का एक ख़ास टाइम होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपके ड्रग जो है, अगर आप किसी ड्रग को समर में कलेक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी सही रहती है। अगर आप समर से पहले आप उस ड्रग को कलेक्ट कर ले, एक दो महीना पहले कलेक्ट कर ले, तो फिर आपको उस पर प्रॉब्लम होगा। तो ये इश्यूज होते हैं। आपका प्रॉपर टाइम जो है, स्पेसिफिक टाइम आपका होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए जिस पर आप ये प्लांट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़रूरी है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कि आप उस ड्रग को एक प्रॉपर एक ख़ास टाइम पर जिस टाइम पर क्रूड ड्रग में ये कंस्टिट्यूएंट्स ज़्यादा मकदार में पाए जाते हो, तो उसी टाइम पर आपको ये ज़रूरी है। ठीक है, कि आप एक ख़ास टाइम पर इसको कलेक्ट कर लें। कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट्स। अच्छा, अप्रोप्रिएट टाइम के अलावा दूसरी चीज़ आपका जो है पार्ट, जो पार्ट में ये ड्रग पाया जाता है उसी पार्ट को कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका ड्रग आपके बार्क में सही में ज़्यादा मकदार में मौजूद है तो आपको बार्क ही सेलेक्ट करना चाहिए, या लीफ में, या स्टेम, या राइजोम, या रूट, या जिस भी पार्ट में आपके ड्रग का मकदार सही होता है और प्रॉपर मकदार में होता है, तो आपको वही पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि आपके बार्क में ज़्यादा हो और आप उसकी जगह किसी दूसरे लीफ को कलेक्ट कर ले या स्टेम को कलेक्ट कर ले। तो ये ज़रूरी है कि आप वही पार्ट सेलेक्ट कर ले जिस पार्ट में इस ड्रग की क्वांटिटी प्रॉपर मकदार में हो। ठीक है, ये हुआ इस तरह। फिर प्रिपरेशन ऑफ कलेक्टेड ड्रग बाय प्रॉपर क्लीनिंग और ड्राइंग। अच्छा, अगर आप ड्रग कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसकी प्रॉपर क्लीनिंग और ड्राइंग भी ज़रूरी है। अगर आपको ये ड्राइंग या उसकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये ड्रग मैंने कलेक्ट कर लिया, अब इसको शेड पे ड्राई करना चाहिए या सनलाइट में ड्राई करना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि इससे भी आपकी क्वालिटी मुतासर हो सकती है। अगर आपको वो चीज़ शेड पे ड्राई करना हो और आपने सन पे लाइट पे ड्राई किया, तो फिर उसके क्वालिटी पर फिर असर पड़ता है और फिर क्वालिटी में फिर आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, प्रॉपर प्रिजर्वेशन टू अवॉइड कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर, हीट, एयर एंड लाइट। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हीट, मॉइस्चर और लाइट, ये भी आपके क्वालिटीज़ को मुतासर करते हैं। ठीक है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से तो वो भी ड्रग की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, मॉइस्चर की वजह से भी आपकी ड्रग की क्वालिटी मुतासर हो सकती है, हीट और लाइट के वजह से भी मुख्तलिफ प्रोसेस हो सकते हैं आपके क्रूड ड्रग में, और फिर आप उससे आपकी क्वालिटी है ड्रग की वो मुतासर हो सकती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी क्वालिटी को। अच्छा, पेयर डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी है। प्योरिटी इज द एक्सटेंट ऑफ फॉरन ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट इन अ क्रूड ड्रग। प्योरिटी से हमारा मुराद ये है कि किसी भी क्रूड ड्रग में कोई फॉरन पार्टिकल या कोई फॉरन ऑर्गेनिक मैटर कितने मेदार में, यानी उसमें मिलावट कितना होता है। ठीक है, तो उसमें जो है मिलावट का जो मकदार है हम उसको प्योरिटी कहते हैं। अगर मैं मिलावट का मकदार कम है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा प्योर है, अगर मिलावट का मकदार ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ कम प्योर है या प्योरिटी इसकी बहुत कम है। ठीक है, तो प्योरिटी जो है ये किन चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो ड्रग कलेक्ट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन आपको उसका पता हो। आपने जो ड्रग कलेक्ट करना है तो आपको चाहिए कि आप अच्छी तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन आप उसकी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और फिर उसको क्वालिटी एश्योरेंस भी करना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है प्योरिटी के लिए। इसके अलावा पर्पस ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, क्या मकसद है इवैल्यूएशन का, मकसद क्या है आपके ड्रग की इवैल्यूएशन का। मकसद ये है कि अगर किसी क्रूड ड्रग में कोई वेरिएशन आती है, बायोकेमिकल चेंजेस कुछ आते हैं, तो वो पता लगे आपको। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई ड्यूटराइजेशन, बाज़ अवकात आपका जो है क्रूड ड्रग वो ज़ाया भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसका भी पता लगता है। इवैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो उसका पता लग जाता है आपको, ये ड्रग ज़ाया हो गया है या ख़राब हो गया। और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन और एडल्ट्रेशन का भी आपको पता चलता है। अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं ग्रुप ड्रग्स की तो इससे आपको ड्रग में एडल्ट्रेशन या मिलावट या सब्स्टिट्यूशन का भी पता लगता है। ठीक है, तो ये पर्पज़ है, मकासद है इवैल्यूएशन करने के लिए। अच्छा, इवैल्यूएशन के लिए फिर हम डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप ड्रग्स की इवैल्यूएशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन है, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं, तो ये इवैल्यूएशन के लिए हम करते हैं यूज़। ठीक है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। अच्छा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि द स्टडी और इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंस। अगर हम किसी क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं तो इस किस्म की इवैल्यूएशन को हम या ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। सेंस ऑर्गन के थ्रू हम आंख से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, या स्मेल के थ्रू हम इसको सूंघते हैं, या टेस्ट के थ्रू हम इसका टेस्ट चेक करते हैं। ये क्या है, ये ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन के थ्रू जो टाइप ऑफ एवैल्यूएशन होती है क्रूड ड्रग्स की, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन कहते हैं। द ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल एवैल्यूएशन द क्रूड ड्रग इंक्लूड, इसमें मॉर्फोलॉजी और सेंसरी करेक्टर्स, आपकी जो है सेंसरी करेक्टर्स ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल एवैल्यूएशन में आप सेंसरी करेक्टर्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं, या उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स या अदर सेंसरी करेक्टर्स के थ्रू हम आप इवैल्यूएशन करते हैं ग्रुप ड्रग की। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन वी इवैल्यूएट द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल पैरामीटर्स। दीज ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो इस किस्म के क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम विजुअल पैरामीटर्स के बेस पर हम क्रूड ड्रग्स की इवैल्यूएशन करते हैं। स्टडी मॉर्फोलॉजी में हम कुछ खास विजुअल पैरामीटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपका कलर हो गया, आपका जो है टेक्सचर हो गया,
ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम विजुअल पैरामीटर्स के थ्रू आप कलर्स मिसाल के तौर पर एक विजुअल पैरामीटर है तो हम इसके थ्रू पता लगाते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो कलर ये एक विजुअल पैरामीटर हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो दीज ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। ये ड्रग जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं हम इसको। इसमें ये बार्क्स आता है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आता है, ये फ्रूट्स आते हैं, सीड्स, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। हम विजुअल कैरेक्टर्स बार्क्स के चेक करते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स के चेक करते हैं, लीव्स के चेक करते हैं, फ्लावर्स के या फ्रूट्स या सीड्स, इन सारों के हम कुछ विजुअल कैरेक्टर्स चेक करते हैं और फिर हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं इसके। स्टडी ऑफ सेंसरी कैरेक्टर्स में हम क्या करते हैं, सेंसरी कैरेक्टर्स में हम कलर, उसका टेक्सचर, उसका ऑर्डर एंड ये चेक करते हैं। इसके थ्रू हम उसकी ड्रग की इवैल्यूएशन करते हैं। तो कलर बाज़ औक़ात आप अगर किसी चीज़ को सन में ड्राई करते हैं तो उसका एक रंग का कलर होता है, अगर आप उसको शेड में ड्राई करते हैं तो उसका कलर डिफरेंट होता है। तो ये एक फैक्टर्स है। कलर भी आप, कलर से भी आप पता लगा सकते हैं अगर आप किसी ड्रग को देख के और उसका कलर डिफरेंट है, कोई स्टैंडर्ड ड्रग से वो उसका कलर डिफरेंट है तो आप समझे कि ये उसके कलर, ये ड्राइंग की वजह से भी ये मुतासर हो सकती है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा ऑर्डर है, किसी चीज़ का स्मेल से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है क्या है, और उसका स्मेल वो जो स्टैंडर्ड चीज़ है, वो जो ऑथेंटिक ड्रग है, उससे कंपैरिजन में ये ठीक है कि नहीं है, तो ऑर्डर भी आप इससे पता लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये भी ऑर्डर भी एक हुआ। इसके अलावा टेस्ट है, टेस्ट से भी आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, आप उसको चखते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें सौर होती है, कुछ साल्टी होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, अल्कलाइन होते हैं कुछ चीज़ें टेस्ट में, तो ये आपको इसका पता लगता है कि यार ये इस ड्रग का टेस्ट ये है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं, आप इवैल्यूएशन करते हैं इससे। द सब्सटेंसेस विदाउट टेस्ट आर रिगार्ड एज टेस्टलेस, जो सब्सटेंस की जिन चीज़ों की टेस्ट नहीं होते तो हम इसको टेस्टलेस कहते हैं, और इसमें जिंजर है, इसमें कैप्सिकम, ये इसमें ये टेस्टलेस है, ठीक है। इसके अलावा टेक्सचर्स के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। तो हम समटाइम ड्रग कैन बी एग्जामिन बाय देयर कंसिस्टेंसी, के कोई चीज़ कितना कंसिस्टेंट है या टेक्सचर उसका या उसके नेचर ऑफ फ्रैक्चर, इससे भी हम पता लगा सकते हैं, उसके इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम, ठीक है। कोलेसेंथ कैन बी कंप्रेस्ड इजीली सिंस इट्स पैनकामा इज लूज, अच्छा ठीक है। कोलेसेंथ अगर हम इसको कंप्रेशन करें तो ये इजीली कंप्रेस होता है क्योंकि इसके पैनकामा क्या है, लूज है। अच्छा अगर हम कोलेसेंथ कोई और सोर्स से देख के और उसकी कंप्रेशन इजीली नहीं हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी उस जैसी नहीं है, ये स्टैंडर्ड जैसी नहीं है, इसलिए ये कंप्रेस सही नहीं हो रहा, तो ये आप टेक्सचर से ये पता लगता है, इवैल्यूएशन करते हैं आप इस तरह। केमिकल इवैल्यूएशन, इसमें आप नाम से इसका पता चलता है कि कुछ केमिकल टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करते हैं और उन केमिकल टेस्ट के थ्रू फिर हम पता लगाते हैं कि ये रिजल्ट अगर आ जाए तो हमें पता चलता है कि ये इस ड्रग की क्वालिटी ऐसी है, ठीक है। तो हम केमिकल टेस्ट के थ्रू हम इवैल्यूएशन करते हैं, हमें पता लगता है कि हम कि ये ड्रग ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। इट इज़ द डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ ड्रग बाय मींस ऑफ केमिकल टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, हम इस किस्म के इवैल्यूएशन में हम कुछ केमिकल टेस्ट या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के थ्रू हम क्रूड ड्रग्स की इवैल्यूएशन करते हैं। इस किस्म के जो है इन दीज मेथड्स एंड केमिकल इवैल्यूएशन द क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट आर एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स, तो हम क्रूड ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं
उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इज आर बेस्ट टू डिटरमिन पोटेंसी एंड एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। अच्छा, पोटेंसी और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के लिए फिर हम केमिकल एसेज यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल इवेल्युएशन में फिर हम पोटेंसी मालूम करने के लिए और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मालूम करने के लिए फिर हम केमिकल एसे यूज करते हैं। तो इनमें डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, एसेज भी होते हैं इनमें। द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर द मेथड ऑफ इवेल्युएशन। ये भी आइसोलेशन आप करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग से, कोई कंस्टिट्यूएंट्स आप आइसोलेट करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारे जो है ये मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन है। ठीक है, ये भी मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन है। जो क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट यूज होते हैं इवेल्युएशन के लिए, उसमें एसिड वैल्यू है, उसमें स्पॉनिफिकेशन वैल्यू है, एश कंटेंट है उसमें, अभी इसमें मेंशन नहीं है, और आयोडीन वैल्यू है। ये डिफरेंट वैल्यूज है, आप इससे पता लगा सकते हैं और आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या इवेल्युएशन कर सकते हैं क्रूड ड्रग्स के। ठीक है, फिजिकल भी पैरामीटर्स होते हैं, जिस जो फिजिकल से आप पता, आपको आपको जाहिरी बात है फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। इसमें सॉलिबिलिटी है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इलास्टिसिटी है, इसके अलावा विस्कोसिटी है। ठीक है, कंजीलिंग पॉइंट है, ये सारे जो है पैरामीटर्स है, इसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं और उसकी इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्रूड ड्रग्स की इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, सो फिजिकल इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिर हमें एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और उससे फिर हमें पता चलता है कि ये क्रूड ड्रग जो है रिक्वायर्ड क्वालिटी का है कि नहीं है। इसके अलावा द फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज अकम्प्लिश्ड बाय द डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग फिजिकल केमिकल टेक्निक्स। तो इस तरह होता है, हम मुख्तलिफ फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू पता लगाते हैं इसमें फिजिकल इवेल्युएशन में कि ये ड्रग क्वालिटी का है कि नहीं है। इसमें ये सारे जो टेक्निक यूज होते हैं या टेस्ट यूज होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट हम यूज़ करते हैं इवेल्युएशन के लिए, ऑप्टिकल रोटेशन हम इवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम इलास्टिसिटी को यूज़ करते हैं, विस्कोसिटी को हम यूज़ करते हैं इवेल्युएशन के लिए, कंजीलिंग पॉइंट को भी हम यूज़ करते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर कंटेंट भी हम इवेल्युएशन के तौर पर यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग के इवेल्युएशन के तौर। ठीक है, फिर जो है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन आता है। जाहिरी बात है इसमें हम क्रूड ड्रग्स को फर्स्ट जो है हम इसको क्रश करते हैं, एक पाउडर को हम कन्वर्ट करते हैं, और या हम उसके डिफरेंट छोटे छोटे स्लाइड्स बनाते हैं क्रूड ड्रग्स के, और फिर हम उन स्लाइड्स को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ खास पैटर्न देखते हैं हम उस माइक्रोस्कोप में, हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो खास पैटर्न आ जाए और हम ऑब्जर्व कर ले कि एक ख़ास किस्म का पैटर्न जो कि स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड के बारे में होता है, मेंशन होता है ऑफिशियल बुक्स में, आप देख सकते हैं उसको, तो वो पैटर्न अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्वालिटी, ये ड्रग जो है क्वालिटी का है, ये रिक्वायर्ड क्वालिटी का है या डिज़ायर्ड क्वालिटी का है। अगर वो पैटर्न ना आ जाए तो इससे पता लगता है कि आपकी माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से फिर आप पता लगाते हैं कि अभी तो ये क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि इसमें वो पैटर्न नहीं आया जो मेंशन है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स में मेंशन है, तो ये क्वालिटी का, ये इसका मायार ठीक नहीं है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन जो है ये हमें जो है अलाउ मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ अ ड्रग एंड देयर आइडेंटिफिकेशन बाय देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल करेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम जो है और डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में, उसके हिस्टोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में हम और मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं, तो हम पहले वो ड्रग को जिसको हमने ऑब्जर्व करना है उसको पाउडर हालत में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम उसको ग्लास जो है स्लाइड होता है उस पर फिर हम उसको रखते हैं और स्लाइड हम प्रिपेयर करते हैं, और उस स्लाइड को फिर हम ग्लास स्लाइड को हम फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ख़ास पैटर्न देखते हैं, वो ख़ास पैटर्न अगर स्टैंडर्ड से कंपैरिजन में हो
तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये ड्रग ठीक है और इसकी क्वालिटी सही है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन हम इस तरह करते हैं, या पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, या हम उसके कुछ सेक्शंस या थिन स्लाइड्स हम बनाते हैं कुछ ग्रुप ड्रग्स के, और फिर वो या मिसिलेशन करते हैं उसकी, और फिर उसकी जो है ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम डिफरेंट चीज़ें कहते हैं, स्टोमेटल नंबर हम देखते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स हम देखते हैं, ये दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, तो हम इसको चेक करते हैं। स्टोमेटल नंबर ख़ास एक स्टोमेटा का तादाद होता है, स्टोमेटल इंडेक्स होता है एक ख़ास, सो वीन आइसलेट कुछ वीन्स के जो आइसलेट नंबर है वो भी कुछ ख़ास मकदार में होता है, इस तरह पॉलीसेड रेशो भी होता है कुछ सेल्स है लीप में, तो उसका एक ख़ास रेशो पॉलीसेड सेल्स को उसका एक ख़ास रेशो होता है, उस रेशो को हम देखते हैं इसमें। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम चेक करते हैं, तो ये सारे टेस्ट ये सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में, और फिर हम इसको उस ड्रग की इवैल्यूएशन का पता लगता है हमसे। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, अगर हम कोई केमिकल या माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हमें अप्लाई करना फिजिबल ना हो और हम उसको नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम फिर उसको उसके लिए एक दूसरा एक अलग फिर टेक्निक अप्लाई करते हैं ट्रू ड्रग के इवैल्यूएशन के लिए, और इसको हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो इन दिस बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाई टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम इज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम ड्रग जो है डायरेक्टली लिविंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं, और फिर वो जो रिस्पांस प्रोड्यूस करता है लिविंग सिस्टम पे, वो रिस्पांस हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड जो है रिस्पांस के साथ हम कंपेयर करते हैं, और उससे फिर इसकी ड्रग का पता लगाया जाता है, उस ड्रग की प्योरिटी का उसकी क्वालिटी का हम फिर पता लगाते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है ड्रग्स के, हम उसको बायोएसे के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, बायोएसे हम करते हैं उसके, और बायोएसे के थ्रू हम फिर इवैल्यूएशन करते हैं उसके। व्हेन द एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग्स आर इट्स प्रिपरेशन आर डन बाय मीन ऑफ मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ आर एनिमल टिश्यू इज नोन एज बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है, अगर हम क्रूड ड्रग की पोटेंसी या इसकी प्रिपरेशन की पोटेंसी हम ऑब्जर्व करते हैं बाय मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस को हम देते हैं और फिर हम इसकी इफेक्ट्स को मेजर करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ या एनिमल टिश्यूज हम इसको देते हैं और फिर हम इसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस किस्म की इवैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग कहते हैं, और ये हम स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन में ये पूरा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बाय दीज मेथड्स अ क्रूड ड्रग कैन बी असेस एंड फर्दर क्लिनिकल ट्रायल कैन बी रिकमेंडेड, तो इसी तरह हम क्रूड ड्रग की असेसमेंट करते हैं, उसको असेस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उसकी, और फिर ये फर्दर जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए फिर रिकमेंड हो जाता है, और फर्दर क्लिनिकल ट्रायल फिर उसके रिकमेंडेशन के बाद हम करते हैं उस पर, तो ये इस तरह होता है। बैक्टीरिया जो है हम इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन द एंटीसेप्टिक एक्टिविटी ऑफ सर्टन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की एंटीसेप्टिक एक्टिविटी को मालूम करने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, ये तो ये बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये हुआ आपका फोर्थ चैप्टर जो है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, हमने इसमें डिफरेंट टेक्निक्स पढ़े इवैल्यूएशन के, इसमें हमने ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन पढ़ा, इसमें हमने फिजिकल इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने केमिकल इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। तो ये था फोर्थ चैप्टर आपका, ये फिनिश होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर दूसरा जो अभी कोर्स रहता है फिफ्थ चैप्टर रहता है, अभी और भी चैप्टर जितने भी रहते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको देखिए और वॉच करें इसको, और जो भी क्वेश्चंस हो आपको तो आप कमेंट में पूछें, ठीक है। थैंक यू।